शेयर बाजार में इस हफ्ते गिरावट का हाल रहा। निवेशकों को 5 दिन में 17 लाख करोड़ रुपए की चपत लग गई। इस तरह की बिकवाली की निवेशकों को उम्मीद भी नहीं थी। इस हफ्ते निफ्टी में 0.5% की गिरावट देखने को मिली। अब सवाल इस बात का है कि इस गिरावट के माहौल में म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए या निचले स्तरों पर पैसा लगाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो कुछ म्यूचुअल फंड्स ने सितंबर महीने में ही बेयरिश रुख अपना लिया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा के मुताबिक 26 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जहां निवेशकों को नेगेटिव रिटर्न मिला। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सितंबर में सबसे ज़्यादा कम रिटर्न देने वाला है HDFC डिफेंस फंड। HDFC डिफेंस फंड ने सितंबर महीने में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके बाद नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेट फंड का। इसने 1.5% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को सितंबर महीने में दिया है। तीसरा फंड है सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। इस फंड ने 1.5% से ज़्यादा का नुकसान उठाया है। फिर क्वांट टेक फंड का नंबर आता है। इसने 1.20% का नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिया एक महीने में। एनजीओ फ्लेक्सी कैप फंड ने 1.25% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न और गिरावट दर्ज की है। और इस तरह जेएम वैल्यू फंड, LIC म्यूचुअल फंड, इंफ्रा फंड, ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रैटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी FOF और टॉरस मिड कैप फंड, क्वांट PSU फंड में 0.25% की गिरावट एक महीने में देखने को मिली। इस दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेस में अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो टॉप परफॉर्मर वाले फंडों ने 24% तक का रिटर्न दिया है, जिसमें सेक्टोरल और थीमेटिक फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पेस पर हावी रहे। सिर्फ 4 फंड्स ऐसे थे जिसने सितंबर महीने में डबल डिजिट में रिटर्न दिया है और इनमें इंटरनेशनल फंड्स शामिल हैं। मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ETF FOF ने करीब 24% का रिटर्न दिया है। फिर नंबर आता है एडलविस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। इसने 14.5% का रिटर्न दिया है। इसके बाद नाम आता है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड, जिसने 14.20% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को एक महीने में। और आखिर में एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी FOF आता है, जिसने 13.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है एक महीने में, सितंबर महीने में स्पेशली। देखिए, चाइनीज फंड्स के अच्छे रिटर्न के पीछे चीनी इकोनॉमी को मिला स्टिमुलस है। स्टिमुलस के ऐलान के बाद से ही चाइनीज शेयर बाजार में अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि गिरावट के इस माहौल में म्यूचुअल फंड्स निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि अपने निवेश को ज्यादातर एक SIP रूट के जरिए आप घुस रहे हैं मार्केट में, राइट। अब इस एक वॉलेटाइल माहौल में जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइना की बात, ये सब हो रही है, ये SIP ही आपकी काम आएगी। तो मेरे ख्याल में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो SIP आप लगा रहे हैं, ऐसे मौके पर 3 महीने 4 महीने के लिए आप उस SIP इंस्टॉलमेंट को डबल कीजिए। क्योंकि जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बात होती है, वो होती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के टाइम में मुझे सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, और वो सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना आप और थोड़ा पैसा उसमें लगाएं, क्योंकि फिर आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट और भी बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप SIP का टॉपअप जो कहते हैं ना, उसको 3-4 महीने ऐसी, जब भी ऐसे माहौल आता है, क्योंकि इंडिया के भविष्य में कोई बदलाव नहीं है, इंडिया की लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं है। हम 3rd रैंक पे GDP रैंक पे पहुंचने के रास्ते में पक्का चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। मगर ऐसे मौके कम आते हैं, और इसीलिए आप SIP के रूट को जारी रखिए, मगर ऐसे मौके पर थोड़ा 3 महीने के लिए आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट को डबल कीजिए। तो अगर और पैसा जब मार्केट एक वॉलेटाइल स्थिति में है लगाएंगे ना, आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल भारतीय मार्केट में कमजोरी जरूर देखी जा रही है, लेकिन ये कमजोरी थोड़े समय के लिए है। मार्केट के लिए अभी RBI पॉलिसी और दूसरी तिमाही के नतीजे 2 बड़े ट्रिगर्स हैं। अगर रेट कट का ऐलान हुआ तो बाजार फिर से बम बम हो सकता है।
और अगर टल भी गया रेट कट तो दूसरी तिमाही के नतीजों से बाजार में नई जान आ सकती है, क्योंकि अगर दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए तो बाजार की वैल्यूएशन जो आज महंगी लग रही है वो रीजनेबल लगने लगेगी। फिलहाल निवेशकों के लिए मौका है बाजार में निचले स्तरों पर एंट्री करने का, तो इस गिरावट से लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे फंड्स में निवेशकों को निवेश जारी रखना चाहिए और अच्छे फंड्स में अभी और पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपको ये फायदे के फंड का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।